नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन होने के बाद यूपी के अंतर्गत आपको कौन कौन सी बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो बिल था उसको विधानसभा से पारित कर दिया गया है। अब जैसे ही इस पर राज्यपाल की सहमति मिल जाएगी या राज्यपाल अपना हस्ताक्षर कर देंगे, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का बिल पूरी तरीके से पारित हो जाएगा और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। और इसके अस्तित्व में आते ही आपको जो सबसे पहला, जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के थ्रू जो सबसे पहला एग्ज़ाम होगा, वह होगा यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का। क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का जो विज्ञापन जारी किया गया था वह जून 2022 में जारी किया गया था, लेकिन अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं करा पाया गया। क्यों? क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हुआ था, लेकिन अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्दी हो जाएगा, उसके बाद से आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। अब बात आती है कि आखिर में यूपी टीजीटी पीजीटी का 2022 का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? तो यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर तक आपका हो सकता है। ठीक है, ये कन्फर्म है कि नवंबर दिसंबर में आपका इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। उसके बाद से बात आती है कि यूपी टेट, यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन किसके द्वारा जारी किया जाएगा? तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ही जारी किया गया। तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकता है? अभी जैसे कुछ नियमावली है जिसका विरोध हो रहा है, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के तहत जो नियमावली है उसका विरोध हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ये विरोध समाप्त हो जाएगा और राज्यपाल की सहमति मिल जाएगी, आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। यानी कि यूपी टेट के नोटिफिकेशन की बात किया जाए तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी आपको अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, अक्टूबर लास्ट या नवंबर आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। इसका एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी तक हो सकता है, क्योंकि डिले हो रहा है, क्योंकि सरकारी काम है और जानते ही हैं जब सरकार को जॉब देने की बात आती है तो सरकार इसमें थोड़ा सा इसमें सरकार की जो गति होती है वह थोड़ी धीमी हो ही जाती है, तो इस कारण से ये वैकेंसियाँ थोड़ी सी डिले हो रही हैं। अब इसके बाद से यूपी टीजीटी पीजीटी और आपका यूपी टेट होने के बाद आखिर आपका सुपर टेट आपको कब तक देखने को मिलेगा? तो सुपर टेट का देखिए कोई एग्जैक्ट मंथ तो नहीं है कि कब तक देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, जो आपकी जो सुपर टेट न आने के पीछे जो दो सबसे बड़ा जो विवाद था वह अब सुलझ चुका है। जैसे बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी समय से था, लेकिन अब इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया है। उसके बाद से आपका जो आपका है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन, ये दोनों विवाद जो सबसे बड़े विवाद थे सुपर टेट के न आने के, ये दोनों विवाद अब ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, और अब आपको ये जो वैकेंसी है, यह वैकेंसी भी यानी कि सुपर टेट की भी वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? तो देखिए, आपका 2024 में होने वाला है चुनाव, और चुनाव आपका जो होगा वह अप्रैल या मई के बीच में होगा। ठीक है, तो आपका आचार संहिता लगने से पहले आपका आपको सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिल सकता है, और एक अच्छी खासी वैकेंसी, एक बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, अगर आप चाहे बीटीसी करके आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या बीएड करके आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, और बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए एक और खुशखबरी की बात है कि आपको इसी साल 2023 के अंतर्गत ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तरफ से एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, और एलटी ग्रेड की वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, लगभग 8000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा एलटी ग्रेड की। ठीक है, तो आपके पास समय है। हाँ, ये बात अलग है कि एलटी ग्रेड वैकेंसी में वही बच्चे शामिल हो सकते हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है, और एलटी ग्रेड वैकेंसी में भी आपको टीजीटी की तरह ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगता है। ठीक है, यानी कि आपको हिंदी के लिए क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इंग्लिश के लिए क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सोशल साइंस के लिए क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये आपको मैं एक वीडियो बना के बता दूंगा
कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए एल्टी ग्रेड वैकेंसी के लिए। लेकिन एल्टी ग्रेड की एक बड़ी वैकेंसी आने वाली है, तो जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं वो तो एकदम अपना, क्योंकि उनके पास बहुत कम समय है, बीएड अभ्यर्थियों के पास बहुत कम समय है, क्योंकि एक बड़ी वैकेंसी एल्टी ग्रेड की आपको देखने को मिलेगा। और ये एल्टी ग्रेड की भी वैकेंसी ये नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के थ्रू नहीं होगा, यह होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के थ्रू, और इसकी वैकेंसी आपको अक्टूबर तक या नवंबर तक देखने को मिल जाएगा। क्योंकि एल्टी ग्रेड की वैकेंसी पहले ही आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें अर्हता को लेकर कुछ विवाद है, उस विवाद को लगभग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सुलझा लिया है, तो एल्टी ग्रेड की वैकेंसी आपको अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक देखने को मिल जाएगा, और उसका एग्ज़ाम जनवरी तक आपका करा लिया जाएगा। तो आपके पास बहुत कम समय है, खासकर बीएड वाले अभ्यर्थियों के पास तो बहुत कम समय है, क्योंकि आपको नवंबर दिसंबर में यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम देना है, उसके जस्ट एक दो महीने बाद आपको एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम देना रहेगा, तो आपके लिए तो बहुत मतलब बिजी शेड्यूल है। तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, और जितने भी मेरे भाई बहन बीटीसी किए हुए हैं उनको भी अब अपनी तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपको यूपी टेट देखने को मिलेगा, अक्टूबर नवंबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसका भी एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी तक हो जाएगा, उसके बाद से आपको एक सुपर टेट की वैकेंसी भी देखने को मिलेगा चुनाव से पहले, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि जब वैकेंसी आएगा तभी पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी वैकेंसी आ जाता है आपको बहुत कम समय मिलता है तैयारी करने के लिए, सुपर टेट की बात कर लें या आपका एलटी ग्रेड की बात कर लें, बहुत कम समय, लगभग दो एक से दो महीने का ही समय आपको मिलता है, और सुपर टेट में तो सबसे कम समय मिलता है। 2069 जो वैकेंसी आई थी उसमें आपको फॉर्म भरने से लेकर एग्ज़ाम कराने के बीच में सिर्फ आपको एक महीने का समय दिया गया था। तो अभी से आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। अब ये मत, अब देखिए किसी भी विवाद में अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए कुछ संस्थाएं होती हैं जिनकी बात मानना लगभग मतलब कंपलसरी हो जाता है, एक तरीके समझ लिए। आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, अब इतना समझाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी हमें, लेकिन हाँ ये बात अलग है कि आप लोग अगर अभी से सीरियसली पढ़ाई कर लेंगे तो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे, हमें कहीं ना कहीं जॉब लेने से मतलब है, चाहे कहीं भी मिल जाए, ठीक है। तो विवाद में पढ़ने से बचना चाहिए, और एक कहते हैं ना कि एक सरकारी संस्थाओं से लड़ना और जुडिशी से लड़ना लगभग इम्पॉसिबल है। आप रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं, रिव्यू पिटीशन आपके हक में है, आप उसको डाल सकते हैं, वो भी आपको 30 दिन के अंदर डालना होता है, जजमेंट आने के 30 दिन के अंदर ही आपको रिव्यू पिटीशन डालना होता है, ठीक है। और बात करें कि प्राइमरी में बीएड एलिजिबल होगा कि नहीं होगा यूपी में, ये तो देखिए एलिजिबल कौन कराएगा, तो सरकार कराएगी, अगर यूपी सरकार चाहे तो अध्यादेश लाकर एलिजिबल करा सकती है, लेकिन सरकार को आपको पड़ी ही क्यों है, वो तो एक चुनावी मुद्दा था, चुनाव का समय था, इसलिए बीएड को एलिजिबल कर दिया गया था। अगर देखिए अगर सब कोई बीएड, अब अगर बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी से लेकर अगर आपका मान लीजिए कि वो अपर तक जाते हैं, मतलब अपर तक पढ़ाते हैं, तो बीटीसी को बंद कर देना चाहिए, या अगर आप बीटीसी करा रहे हैं तो बीटीसी को एलिजिबल कर दीजिए टीजीटी पीजीटी के लिए भी, ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाल के काम चलाया जा सकता था, लेकिन एक तरफा निर्णय आ गया, थोड़ा सा दुख की बात है, लेकिन कोई नहीं, आप आगे आपके पास वैकेंसी है, अब इस ख्याल से आप लोग बाहर निकलिए और अपनी तैयारी को शुरू करिए, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, और आप में से जितने लोग भी बिहार का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बिहार का शिक्षक भर्ती का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई है, जाइए अपनी अपनी एक सीट सुनिश्चित करके आइए, धन्यवाद।